सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। रोहतक में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा के समापन समारोह में अपनी मांगों को लेकर और वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ हजारों लोग 3 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। ये जानकारी देते हुए वक्फ लैंड होल्डर एसोसिएशन के प्रधान बिजेंद्र आर्य ने बताया कि वे वर्षों से वक्फ बोर्ड लीज जमीन पर अपने कारोबार इत्यादि कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड को समय पर किराया दिए जाने के बाद भी वक्फ बोर्ड द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके चलते 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर रोहतक में क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जन विरोधी में आत्मघाती कानून के विरोध में पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं, जिनमें रेवाड़ी शहर को पूर्णतः बंद रखा गया, कई बार भूख हड़ताल की गई, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। इन संघर्षों के बाद भी सरकार ने रिटायर्ड जज उल्ला खान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी ने वक्फ बोर्ड जमीन धारकों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया। सभी एसोसिएशन ने इस काले कानून को रद्द कर मालिकाना हक देने की मांग की। कमेटी के अध्यक्ष उल्ला खान ने रिपोर्ट बना अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंप दी। इस रिपोर्ट में जमीन धारकों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार उसी नए कानून 2014 को लागू करने जा रही है, जिसके चलते वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे लोगों को अपनी दुकानों, मकानों, कृषि भूमि के छिन जाने का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड ने भी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में वर्षों से बैठे लोगों की जमीनों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम नीलाम कर दिया गया। अपनी मांगों को लेकर रोहतक अम्बेडकर चौक पर ऑल इंडिया स्तर पर विशाल भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। अभी हमने किसी ने भी बेड नहीं कराई थी, तो सभी के पास आए अलग अलग, तेरी कर दे तो तेरी कर। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।